हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद ऑल ऑफ यू। सो एज यू ऑल नो, प्रीवियसली वी हैव सीन एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, हाउ टू कंपेयर द रेशियोज एंड चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो वी नो दैट इफ सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट देन दे आर कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। रेशियो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड कोइंसिडेंट दैट इज कंसिस्टेंट एंड अदरवाइज इफ दे आर पैरेलल लाइन्स दैट मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट। नाउ गो फॉर द नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो वंस अगेन क्या चेक करना है, फर्स्ट रेशियो, ठीक है, इफ सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट देन इट इज कंसिस्टेंट अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। सो इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, राइट, अगर वो कंसिस्टेंट है सो उसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली एज वी डन बिफोर, राइट, जैसे हमने पहले ग्राफिकली मेथड से उसके सॉल्यूशंस फाइंड किए थे कि गिवन टू लीनियर इक्वेशंस जो है, ठीक है, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड देन आफ्टर विल चेक कि वो दोनों पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग लाइन से या तो ओवरलैपिंग यानी कोइंसिडेंट है, ओके, सो उसको ग्राफिकली शो करना है इफ इट इज कंसिस्टेंट, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ओके। सो हियर यू कैन सी देर आर टू इक्वेशंस, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड रेशियो a1 अपॉन a2। सो व्हाट इज a1? a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 अपॉन a2 इज 2, सो a1 अपॉन a2 इज 1/2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2, व्हाट इज b1? b1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1 अपॉन 2 एंड थर्ड वन c1 अपॉन c2, c1 is 5, c2 is 10, 5 2s are 10, that is 1/2. So you can see a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 and hence it is consistent, right? So consistent, that means you have to show these two lines. First we need to find coordinates, okay, so find coordinates of फर्स्ट इक्वेशन, देन आफ्टर सेकंड, दोनों के लिए टेबल मिलेगा, देन आफ्टर रिप्रेजेंट द पॉइंट्स इन ग्राफ एंड आफ्टर दैट जॉइन देम एंड राइट दिस लीनियर इक्वेशन ऑन फर्स्ट लाइन एंड सेकंड ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है। सो फर्दर इक्वेशन जो है उसको आप ग्राफिकली शो कर सकते हो इफ देयर इज अ कंसिस्टेंट, ठीक है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है तो उसको नहीं शो कर सकते, राइट। सो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, नाउ गो फॉर द नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। सो वी नो दैट डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर दैट मींस उसके डायमेंशन कौन से होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। सो लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू x, यहां पे आपको जो पैरामीटर है वो मीटर्स में दिए हुए हैं, दैट मींस आपको मेजरमेंट्स भी मीटर में लेने, राइट, एंड ब्रेथ इक्वल्स टू y मीटर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हाफ द पैरामीटर, व्हाट इज पैरामीटर, पैरामीटर इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, बट हाफ दैट मींस अपॉन 2 दैट इज 36, 2 2
So our first equation will be x plus y equals to 36. Equation number 1. Now second condition. Whose length is 4 meter more than its width? That means length. Again according to information, length x which is 4 more than its width. So therefore our equation will be x equals to y plus 4, right? So x, take it left, x minus y equals to 4. Equation number 2, right? Now kya karna hai? Check whether first ratio 1 upon 1 and second 1 upon minus 1. That means a1 upon a2 which not equals to b1 upon b2 and hence they are consistent, right? So show these equations graphically, right? Okay. So further homework you can do. Now go for the number 6. Number 6. So given the linear equation, that means a linear equation given hai pair mein se, aur second equation jo hai wo condition ke according you have to make yourself. So first one is intersecting, second is parallel and third one is coincident, right? So your first equation is 2x plus 3y minus 8 equals to 0. So this is your first equation, right? Now your first condition is intersecting है. So यहाँ पे simple language में अगर मैं बोलूँ तो आपको ऐसा linear equation यहाँ पे convert करना है कि उसका जो ratio है first equation के साथ उसमें कौन सी condition satisfy होनी चाहिए. So intersecting lines one. कौन सी? Intersecting. So we know that for intersecting lines that is a1 upon a2 which not equals to b1 upon b2, right? So if this happens, if a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, ye condition agar aapke jo second equation jo banaya hai aapne uske liye satisfy ho jati hai, so we can say that two lines, that means ye dono equation ke jo lines hai graph mein wo dono intersecting lines hogi, theek hai? So first parallel के लिए क्या हो जाएगा 2x. suppose यहाँ पे मैंने 2x parallel intersecting के लिए आपको क्या करना है, a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 लेना है. so your a1 upon a2 is 2 upon 2, that is 1 upon 1, right? so यहाँ पे भी negative value ले लेते हैं, minus 4y plus 3 equals to 0, okay? so a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 हो गया intersecting के लिए. चलो सेकंड में पैरेलल लाइंस. सो पैरेलल के लिए a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2. सो 2x में सपोज यहां पे मैंने 3x लिया, 3x प्लस चलो a1 upon a2 is 2 by 3, सो b1 upon b2 भी 2 by 3 होना चाहिए. सो यहां पे आपकी b1 की वैल्यू है 3, राइट? और आपको आंसर में चाहिए 2 by 3. सो यहाँ पे कोई सपोज 2 by 3 चाहिए, तो यहाँ पे अगर 3 होगा तो ये 3 कट हो जाएगा, इट मींस 2 by 3 रिड्यूस फ्रैक्शन, राइट? सो फॉर दिस वैल्यू 2 by 3 वी नीड हियर 3 इज 9 इन प्लेस ऑफ b2, राइट? सो 9y. सो 3 by 9 इज 1 by 3 and 3 by 9, that means वहाँ पे भी 6 चाहिए, 1 minute. तो फिर यहाँ पे एक काम, अगर यहाँ पे 2 by 3, यहाँ पे भी आपको 2 by 3 चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे first equation जो है उसको तो हम change नहीं कर सकते, so multiply उसको तो हम कर नहीं सकते. so यहाँ पे अगर आपको चाहिए, so we need here
देखो इन प्लेस ऑफ बी टू ए वन अपॉन ए टू इज टू बाय थ्री एंड वी नीड बी वन अपॉन बी टू इज ऑल्सो टू बाय थ्री सो फॉर दैट वी हैव बी वन इज थ्री ओके सो बी वन तो यहां पे थ्री है सो कोई भी केस में आप यहां पे टू तो ला नहीं सकते हो राइट यस एक बी टू इज फ्रैक्शन यहां पे अगर थ्री बाय टू है बी टू ठीक है सो थ्री बाय टू ये टू जो है वो ऊपर थ्री के साथ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा सपोज आपने यहां पे बी टू की वैल्यू जो है वो थ्री बाय टू ली टू जाएगा ऊपर राइट सो थ्री टू का सिक्स अपॉन थ्री हो जाएगा बट फ्रैक्शन में ले गए हैं तो सिंपली आप यहां पे चेंज कर दो ऐसा है तो टू एक्स प्लस थ्री बाय यानी टू बाय टू इज वन बाय वन थ्री बाय थ्री इज अगेन वन बाय वन बट सी वन अपॉन सी टू नॉट इक्वल टू दैट टाइम सो यहाँ पे प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो थर्ड वन फॉर कोइंसिडेंट ओके सो कोइंसिडेंट लाइंस उसके लिए थ्री फ्रैक्शन ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एस इक्वल अपॉन सी टू आर इक्वल राइट सो फॉर दैट 2x प्लस 3y माइनस 8 अगर दोनों इक्वेशन हम सेम नहीं रखें तो इसको ट्वाइस कर लेते हैं सो 4x प्लस 3 टू जा 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 राइट सो 2 अपॉन 4 1 बाय 2 3 अपॉन 6 1 बाय 2 एंड माइनस 8 अपॉन 16 अगेन 1 बाय 2 सो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू आर इक्वल्स ओके नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट So two linear equations are given to you. First one is x minus y plus 1 equals to 0. And second equation is 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Okay? Now, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by this line and the x. So, क्या करना है फर्स्ट ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो है उसको ग्राफ में उसकी दो लाइंस मिलेंगी राइट सो ये दोनों लाइंस एंड थर्ड वन यहां पे ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेगा इफ वी हैव थ्री साइड्स राइट सो टू साइड्स ऑफ दिस टू लाइंस एंड थर्ड वन इज एक्स एक्सिस सो इन तीनों से जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको शेड करना है और उसके वर्टेसेस फाइंड ओके सो बिफोर दैट वी नीड टू शो दिस टू लाइंस इन ग्राफ सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट राइट सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एंड दिस सो फॉर दिस फर्स्ट इक्वेशन सी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 सो इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 देन वी गेट y इक्वल्स टू 1 राइट And if we put y equals to 0, then we get x equals to minus 1. So here, our coordinates are, if x is 0, then y is 1, and y is 0, then x is minus 1. Now, for this second equation, put y equals to 0, then we get 3x equals to 12 and therefore x equals to 4 right ये जो 3 over division हो जाएगा and if we put x equals to 0 then 3 into 0 0 so 2y equals to 12 therefore y equals to 6 अब इतनी बड़ी value नहीं लेनी है suppose so यहाँ पे in place of x 1 रखो so 3 1s are 3 3 minus 12 is minus 9 okay so minus 9 यहाँ पे fraction में
So otherwise you can put here even number also. Otherwise in place of 5, put 3 2 are 6. Yes, put y equals to 3. So it's easy for you. If you put y equals to 3, then 3 2 are 6 plus 6 minus 12 is minus 6. So plus 6 ho jayega, 3x equals to 6, then x equals to 2. So here we have so if x equals to 4, then y equals to 0, and if x equals to 2, y equals to 3. Now make a graph. Okay, y, x, origin, this y dash and x dash. Okay, now first x is 0, that means x axis to likhne nahi hai, y is 1, so this one and x is 0, minus 1 is 0, x is minus 1, y to 0 hai, x is minus 1, that means this one. Okay, so this is our yahan pe first line ho jayegi hamari. वैल्यू जो यहाँ पे वैरी करेगी, बोर्ड पे मैंने ग्राफ जो किया है आपको कंपलसरी ग्राफ पेपर में करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो ट्राइंगल मिलेगा उसकी जो वर्टाइसिस है, ठीक है, वो आपको ग्राफ पे से मिलेगी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, सो कंपलसरी ग्राफ में करना है. एंड सेकेंड लाइन एक्स इज 4 वाई 0, सो दिस वन एंड एक्स इज 2 वाई 3, एक्स इज 2 वाई 3. That means something here. Yes. Something like here. So join these two points. Okay. So you can see this triangular region. Okay. So this is our first line, this one is second, and this is x axis. So these two lines and x axis make a triangular region, right? Now, so first equation is x minus y plus y equals to 0. Second one, 3x plus 2y minus 12. Equals to 0. Okay, now what is this? This first, that is 2 minus 3, 2 minus 3, second 0 minus, minus 1 0, because x axis will minus 1, and minus 1 0, and third is 4 0. So these three are the vertices of this triangle. Okay. So here your exercise number 2.2 is over, 3.2 is over now. So from next lecture we will see the first method. ठीक है, जो algebraic method है उसमें first method substitution method. Okay, so today's homework is complete this and also complete class. Thank you.
in notebook. Okay. So see you next lecture. Till then, goodbye. Take care.